कि हम एक नया टूल से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि बहुत ही ऐसे हेल्पफुल है, बहुत ही पावरफुल है। मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ थोड़ा इसको। हाँ, तो बेसिकली ये है यार, देखो अभी क्या है ना, आपको पता ही है AI बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये भी समझ में आ रहा होगी कोड पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना तो शायद सबको समझ आ भी रहा होगा। तो अभी एक कंपनी आई है नई, ठीक है, उसने क्या किया है कि वो आपका जो कोडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे VS हो गया, उन्होंने एक उसी टाइप का एक कोडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर अब आपको कोड उठा के ChatGPT को नहीं देना रहेगा, आप डायरेक्ट वहीं पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपका असिस्टेंट रहेगा, मान लो कि हर किसी को एक पर्सनल डेवलपर मिल गया है, समझे। मैं उस डेवलपर को बोल रहा हूँ कि भाई ये करके दो, तो वो ये करके दे रहा है मुझे। AI पावर कोड एडिटर है ना, ये है पूरा का पूरा कोड का GPT मान लीजिए, कोड का AI मान लीजिए, और ये हमारे लिए पर्सनल असिस्टेंट की तरह, पर्सनल डेवलपर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आपको बताना चाह रहे थे, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं आप इससे अभी फुलफिल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक सबटाइटल एडिटिंग ऐप बनाया है, वेब ऐप। तो अगर मैं सब एक बार मैं स्क्रीन से, तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है जनरल, दिख रहा है। तो जैसे देख लो, मैं अभी इस पर एक वीडियो चढ़ाऊँगा, अपना पुराना वीडियो है ये, वीडियो मैंने इस पर डाला, और ये पूरा का पूरा जो कोड है ना वो इसी से ही हुआ है। अपलोड कर देते हैं, लोडिंग वीडियो, ठीक है। अभी मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी, तुम लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि सबटाइटल कैसे ऐड करूँ अपना वीडियो में, और जो भी जनरल प्रॉब्लम जो तुम्हारी कोडिंग रिलेटेड है कि मुझे वेबसाइट बनानी लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, तो ये आपकी हेल्प करेगा और आप 2 घंटे या 3 घंटे में पूरा वेबसाइट जनरेट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो कोड है ये इसकी असिस्टेंट से लिखा गया है। इंटरफेस आता है साइड में, मुझे सजेस्ट करता रहेगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट इसे कॉपी कर सकते हो। ये साहू आपको बताएगा पूरी कॉल में, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कितना इजीली आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो जो आपके थॉट्स थे ना, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको आप विंग लगा सकते हो, समझे। मेरा मन किया कि भाई मुझे कल पोकर जैसा गेम बनाना है, या मुझे कोई भी और ऐप बनानी है कि मुझे ई कॉमर्स ऐप बनानी है, तो आप अकेले बैठ कर अकेले डेवलप कर सकते हो। ये अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। Hyperbolic time chamber and forge yourself and together we'll build a stronger unstoppable version of you. The time to act. ये सारा फोन ने बनाया जो भी कर्सर यूज करके बनाया है, और आप इसको यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड हो गया, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। Extraordinary. तो ये पूरा का पूरा कर्सर यूज करके आओ एक बार भाई, टेक ओवर करो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो अभी एक अपने पास ये जो टूल बताया है कर्सर AI, जो कि बेसिकली है अपना कोड एडिटर में AI इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, जो VS कोड नॉर्मल था उसमें AI आ चुका है। तो जैसे अभी देखो आप कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें कोड जनरेशन, ये कोड करेगा, नेक्स्ट बताएगा क्या तुम्हें लिखना है, एक साथ बहुत सारी लाइंस में एडिट कर सकते हो, जो भी कहीं इशू आ रहा है वो फिक्स करवा सकता है, हेल्प करता है उसमें, प्रिडिक्शन करेगा कि नेक्स्ट लाइन तुम लिखने जाओगे वो बता देगा कि ये लाइन लिखो। फिर उसके बाद जैसे कुछ इसकी ये है कि शिफ्ट या फिर ऐसे के दबाएंगे तो वो एक कोडिंग एनवायरनमेंट जनरेट होगा। तो अभी मैं आपको एक बार कर्सर ओपन करके बताता हूँ, ठीक है। ये है कर्सर, आप इसकी वेबसाइट पे जाके, ये है इधर से कर्सर, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड फॉर फ्री करना, और इसके बाद थोड़ा बहुत इसके वीडियो देखना, देख लो, बाकी मैं बता रहा हूँ। अभी डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया। अभी इसमें कुछ कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो सब हमें करनी होती है कि जो सेटिंग्स मैंने ऊपर वाला, ये बिल्कुल VS कोड की तरह है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, बस इसमें थोड़ा बहुत AI इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जैसे यहाँ पे आप अकाउंट में जाएंगे तो मॉडल्स में जाएंगे तो यहाँ पे की डाल सकते हैं, बट अभी के लिए ये फ्री देता है कुछ कीज, कुछ टाइम के लिए फ्री दे रहा है मॉडल। बहुत सारे मॉडल्स हैं जो फ्री में चलते हैं, कोई इसमें की डालने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये है, फिर इसके बाद अपन जाएंगे, हमने मान लो एक नया फोल्डर बनाया है पूरा, हमें कुछ नया क्रिएट करना है लेट से, ठीक है। तो मैंने मान लो लिख दिया, मैं आज के डेमो के लिए बना रहा हूँ एक स्नेक गेम जो कि मिनट्स में बना के दे गए, ठीक है। ये मैंने ये फोल्डर ओपन किया, अभी इसमें जो हमें बताया था कि कमांड के यहाँ पे कमांड के से क्या होता है, कोड जनरेट करता है, नया कोड जनरेट करता है,
अब इसको हम बोलेंगे थोड़ा बात करने वाली चीज है कि हमें इसको बताना है कि हमें क्या बनाना है। जैसे मैंने बोला स्नेक गेम, तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू क्रिएट, तो अभी मैंने जैसे लिखना स्टार्ट किया आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्नेक गेम विद ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ मूविंग अप डाउन, फर्स्ट लेट्स डिस्कस द अप्रोच एंड देन। ठीक है, तो अभी जो हम करते थे ना कि हम चैट जीपीटी पे जाके बात करते थे, वहां से कुछ कोड उठाते थे फिर करते थे, तो ये अभी देखो ये खुद से कोड लिख दिया, इधर आ गया, हमें बस एक्सेप्ट करना है। जैसे ये कोड देगा ऐसे नहीं आएगा, अपने आप आ जाएगा, हमें बस एक्सेप्ट करना है। देखो मैंने ये बेसिक एचटीएमएल बना दिया, अब मुझे एक गेम फाइल बनानी है जिसमें फंक्शंस होंगे उसके। तो अब ये गेम जेएस करके बना रहे हैं जिसमें गेम की फंक्शनैलिटी है, तो हमें ज्यादा डीप में गेम, हम अभी इसमें भी नहीं जा रहे कि कोड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सी लाइन में क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली उसको बोल रहे हैं वो हमें कोड बना के दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसने गेम जेएस भी बना दिया, इसको हम नेक्स्ट सब्जेक्ट बोलेंगे। आऊंगा अपने फोल्डर में, ये बन गया है, हम इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खोलेंगे। ये देखो ये चालू है, ये गेम इतना बना दिया इसने कि अभी मैं मूव कर पा रहा हूँ, खेल पा रहे हैं इसको। और ये कितना टाइम लगा अपन को करने में, मुश्किल से 5 मिनट। तो ये हो गया ओवरऑल कि हम ये टूल यूज करके कैसे कुछ भी नया तुरंत के तुरंत क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था कि एक स्नेक गेम है, तो मैं इससे और भी बहुत चीजें बनवा सकते हो। अभी मैं इसको अगर बोलूं, कंपोजर में जाके क्रिएट एन एचटीएमएल पेज दैट लुक्स सिमिलर टू लेट्स से यूट्यूब, यूट्यूब नहीं गूगल बोलते हैं क्योंकि थोड़ा इजी है पड़ेगा। एचटीएमएल पे क्या होता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो सब चीजें नहीं दिखती हैं, थोड़े स्टैटिक पेजेस होते हैं, इसलिए हम थोड़ा गूगल टाइप बोलेंगे, गूगल सर्च पेज फ्रंट एंड विद ऑल द डिटेल्स एंड एज क्लोज सिमिलैरिटी टू गूगल सर्च पेज। ठीक है, बात है पूरी अब लिखने की, अगर आप लिख के उसको बता सकते हो कि मुझे क्या चाहिए तो वो आपको वो फाइल बना के देगा। अभी ये बना रहे हैं अपने लिए वही चीज, अभी इसने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बदल दिया, नए वाले जो भी हमने बोला है उसके हिसाब से बना रहा है। ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम जाएंगे फिर से, तो देखो गूगल का पेज बना दिया इसने एग्जैक्टली वही, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो इसके साथ यही चीजें यूज करके हम सबसे पहले हमने फाइल्स जनरेट कर दी। अब मुझे अगर कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो इसको बंद कर दिया, मैंने फाइल जनरेट कर ली, कमांड एल या फिर शिफ्ट एल दबाने पर चैट आ गया। अब हम इस फाइल से चैट कर सकते हैं कि जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या बात करनी है, इसमें क्या चेंज करना है। तो मैंने बोला कि चेंज द गूगल नेम इन मिडिल टू यूट्यूब कीपिंग द रेस्ट सेम। ठीक है, इसने पूरा कोड बताया कि ये चेंज करना है, इधर से हमने अप्लाई किया और ये कोड में अपने आप इसने चेंज कर दिया, हमने एक्सेप्ट कर दिया, सेव करके देन फिर से हमने एक बार चेक किया तो अब यूट्यूब आ गया। तो बेसिकली अपने एक लाइन लिखने पे इसने कोड चेंज कर दिया एंड अपडेट कर दिया, सिर्फ हमें यहाँ से अप्लाई किया एंड कोड यहाँ पे आ गया।
ठीक है, तो डायरेक्ट चेंज नहीं करेगा, आप जब तक बोलोगे नहीं कि हाँ ये मुझे सही लग रहा है अप्लाई कर दो तो चेंज कर देगा। ठीक है, अभी इसमें अगर कोई एरर आ जाए, मान लो मैं इधर से कोई एक लाइन हटा दूँ, ठीक है ये ऐसा कर दिया मैंने, अभी इसमें एरर आएगा, ठीक है अभी हमारा ये चलेगा नहीं, रन तो हुआ कुछ कुछ चेंज कर देते हैं, चीजें हटा देते हैं, सिंटैक्स एरर ले लो ब्रो। नहीं भाई भाई सिंटैक्स एरर ही लिया था, ये ऐसे हटाया था ना। HTML है ना वो दिखाएगा, जो भी उसको दिख रहा होगा ना वो दिखाएगा, बट मैं इसको बताऊंगा कि देयर इज सम इशू इन माय कोड, चेक एंड करेक्ट। ठीक है, तो वो फाइंड भी करेगा कि कोई ऐसा सिंटैक्स एरर है या कुछ ऐसा इशू है। तो अभी इसने किया करेक्शन, ठीक है, जो जो अपन ने चेंज किया था, जैसे डॉग टाइप डिक्लेरेशन एट टॉप ये किया था इधर चेंज, वो बता रहा है, फिर ये बॉडी वाली चीज बता रहा है कि यहाँ पे इशू है। तो अब मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा, इसने वापस सब सही कर दिया और हमारा फ्रंट एंड वापस से सही हो गया जैसा था। तो ये है वो मेन कंसेप्ट उसका, कि हम यहाँ पे एक तो फाइल से, और इधर पे हम इवन फाइल से ऐड कर सकते हैं मल्टीपल, जो और कोई फाइल है या इवन हमें कोई लिंक डालनी है, जैसे मुझे इधर पे देखो @ किया ना, तो फाइल फोल्डर कोड वेब, तो वेब में कुछ वेब सर्च करना है, मतलब अगर तुम बोलो कि सर्च द इंटरनेट एंड गेट डिटेल्स ऑफ ऐसे कुछ स्नेक गेम कोड कुछ भी, तो वेब से सर्च करके भी ला सकता है वो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, गिट, जैसे गिटहब पे कुछ ऑलरेडी रेपो बनी हुई है जिसमें कुछ कोड है, ठीक है, तो वो चीज भी ये फेच करके वो पूरा कोड पढ़ के और यहाँ पे उसको यूज कर सकता है। देखो अभी जैसे इसने क्या किया, हमने वेब सर्च किया तो ये यहाँ गया, क्रिएट गेम वाले कोई वेबसाइट पे गया, फिर गिटहब पे गया, फिर दूसरे गिटहब पे गया, हर जगह से लेके लाया, एंड देन बोलेगा कि अब मैं ये चेंजेस कर दूंगा, तो फिर हम बोलेंगे हाँ भाई अप्लाई कर दो, उस टाइप की चीज है। तो मेन कंसेप्ट ये है कि आप जो ये कमांड के करके जो दबाए या फिर शिफ्ट के तुम्हारे विंडोज में, तो ये एक चैट खुल जाएगी, चैट में हम किसी भी फाइल के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या इशू है या फिर इसमें हमें ये अपडेट करना है। इवन यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने करा कमांड के, ठीक है, तो मैं यहीं के यहीं बोल सकता हूँ कि यार इसका मुझे पैडिंग चेंज करनी है या फिर इसकी मुझे ये विड्थ बढ़ानी है, इस पर्टिकुलर फंक्शन की भी कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो भी मैं कमांड के से यहाँ पे कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने अगर इससे बोला कि अपडेट द पैडिंग टू, या फिर अलाइनमेंट टू लेफ्ट, ठीक है, तो इसमें देखो अलाइनमेंट चेंज कर दी। तो ये हम एक एक छोटे छोटे पार्ट पे भी कर सकते हैं, पूरी पूरी फाइल पे भी कर सकते हैं हम, यहाँ से पूरी फाइल पे हमें कुछ बात करनी है, कुछ चेंज करना है, अपडेट करना है, नया करना है। एक कंपोजर हो गया जो कि था नई फाइल्स बनाने वाला, कुछ नई फाइल बनानी है तो वो बना के दे रहा है, एक कंपोजर हो गया, एक चैट हो गया जिससे हम रेगुलर फाइल्स पे चैट कर सकते हैं, एक हो गया हम इंडिविजुअल कोड ब्लॉक पे बात कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उनको इंडिविजुअली, ना कि पूरा कोड को चेंज करो। ठीक है, फिर ये चीजें हो गई टर्मिनल, इवन टर्मिनल, अब जैसे टर्मिनल में मुझे कोई एरर आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने किया ये देखो ये एरर आ गया, कुछ मान लो मैंने कुछ भी टाइप कर दिया या कुछ भी एरर आ रहा है, तो हम इधर से ऐड टू चैट, ऐड टू कंपोजर, डीबग विद एआई, तीनों चीजें कर सकते हैं। अगर ऐड टू चैट किया तो वो इधर आ जाएगा, जो हमारा बेसिकली कमांड लाइन में एरर है वो इधर आ जा रहा है। तो अब इधर से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज दिस इशू,
इसे फिक्स करो, तो फिर वो फिक्स बताएगा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हर जगह कहीं भी आप फंस रहे हो, कहीं भी कोई इशू आ रहा है, तो वो आप इससे बात करके फिक्स कर सकते हो। इवन आपके टर्मिनल में कोई इशू है कि मैंने बोल दिया ठीक है कुछ भी बोल रहा हूँ, तो वो एरर जो भी आएगा ना वो अपने आप उसको फिक्स करने के लिए तुम उसको चैट में डाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज है, ऐड टू कंपोजर, इवन इसको जो फाइल्स जनरेट करने के लिए था, देन ऐड टू चैट हो गया, ये जो साइड में विंडो दिख रही है ये चीज डीबग में तैयारी करेंगे तो एक नई चैट खोल के उसको डीबग करने का ट्राई करेगा। जैसे मैं अभी अगर तो करूँ डीबग विद एआई, तो एक नई चैट इसने अपने आप ओपन करी, उसको वो पूरा जो भी एरर था वो डाल दिया, तो इसने हमें बता दिया कि ये ऐसे ऐसे फिक्स करो इसे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, मतलब प्लेन इंग्लिश कमांड्स में हमें बात करनी है, वो उसको कोड में ट्रांसलेट कर देगा। गूगल पर हमें सिंटैक्स नहीं सर्च करना है या फिर कहीं और जाके कुछ नहीं करना है, सब उसके पास है। AI पावर कमांड इंटरप्रेटर है बेसिकली, हम जो बोल रहे हैं वो कमांड हमारे लिए बना के दे रहा है। इवन टर्मिनल की कमांड भी वो इधर से रन कर सकता है। मैंने उसको बोला आई वांट टू इंस्टॉल पाइथन 3, ठीक है, हेलो। हाँ भाई, भैया वो एक रिक्वेस्ट आ रही होगी मीटिंग ज्वाइन करने की। नहीं है अभी तक तो कोई रिक्वेस्ट, साहु एक बार चेक कर लो ब्रो। उधर ठीक है, आएगा नेक्स्ट टाइम तो कर देंगे। आया आर्यन सनी के नाम से कितने लोग हैं भाई, सबका नाम आर्यन रख दिया क्या? ठीक है, तो हमारे पास ये टर्मिनल भी AI पावर्ड है, चैट हमारे पास जो कोड जनरेशन है वो भी AI पावर्ड है, टर्मिनल में जो इश्यूज है वो सब AI सॉल्व करके देगा। ठीक है, कंटेक्स्ट अवेयर कन्वर्सेशन से मतलब इसका कि जो इसके पास हम बात कर रहे हैं ना वो सब इसका पीछे स्टोर करते जा रहा है बातें, जो भी हमारे पिछले इंटरेक्शन है, जो मैंने इससे बोला पहले कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये इशू है, वो सब इसको पता है। और इवन हमारी फाइल्स का एक्सेस है कि ये अभी अपने पास ये गेम्स और इंडेक्स फाइल है, तो वो इन सब चीज़ों का यूज़ करके प्रॉपर जो हमें होता है वो सही से कोड देता है बना के, या हमारा कोड समझता है उसको, इम्प्लीमेंटेशन करना बताता है कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। इवन हम इसमें इमेजेस दे सकते हैं, जो इधर प्लस साइन है ना यहाँ पे, हम इवन इमेजेस दे सकते हैं। जैसे ये फाइल्स है ना, मैं फाइल्स में जाऊँगा, अगर मैंने कोई इमेज पेस्ट कर दी इवन यहाँ से कहीं से उठा के, तो वो भी इधर पे हम दे सकते हैं, तो वो इमेज भी दे देगा। जैसे मैंने बोला फ्रंट एंड बनाना है मुझे इस किसी टाइप का, इस टाइप का फ्रंट एंड बनाना है, तो मैं इसका स्क्रीन शॉट लेके ऐसे बोल दूंगा कि मुझे इस टाइप का बनाना है, तो भी वो समझ जाएगा। इधर पे हमने इमेज भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर ऐप, पूरी पूरी ऐप जनरेट कर रहा है, पूरी पूरी ऐप बना सकता है। तुमने उसे एक ऐप का आइडिया बताओ, बात हो गई। अब मेन आ गया जो टॉपिक है ना, वो ये है कि यार तुम बात कर पा रहे हो कि नहीं, ऐसे उसको बता पा रहे हो कि नहीं, तुम्हारा आइडिया क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, तो फिर वो उस चीज को यूज, जो भी तुम्हारा आइडिया होगा ना उस पर वो काम करके तुम्हारे लिए कुछ ऐप का आइडिया देगा, उसका कोड लिख के देगा। इवन मल्टीपल फाइल्स पे एक साथ काम कर सकता है, जैसे हमने बताया कि 10 प्लस के साइन पे दोनों तीनों चार पांच जितनी फाइल्स हैं सब दे दो, तो सबके साथ काम करके बताएगा। ठीक है, कोड बेस जो भी मैंने बताया, फाइल्स, फोल्डर्स, कोड, डॉक, गिट, जो भी अलग अलग टाइप के हम उन्हें चीजें दे सकते हैं, जिससे उसे और चीजें क्लियर हो, कुछ फाइल्स से रेफरेंस देना हो, कुछ कोड से रेफरेंस देना हो, वो सब दे सकते हैं। देन AI रिव्यूज, रियल टाइम कोड रिव्यूज, तुरंत वहीं के वहीं हमें कोड के करेक्ट वो देगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है मैं इसमें दिखाता हूँ दूसरे कोड में कि कैसे देता है। जैसे देखो इधर पे आया कमांड L टू चैट, कमांड K टू जनरेट। अगर मैं इधर से इतना ये हटा दूँ, ठीक है, सॉरी
अगर मैं नीचे प्रिंट डालूंगा ना सिर्फ, तो वो आगे का मुझे कंप्लीट करने का दे देगा प्रिंट दूसरा कैटेगरी जैसे करके। मैंने टैब दबाया भर गया, नेक्स्ट लाइन में आया मैंने टैब दबाया वो अपने आप भर गया। तो ये चीज है कि अपने आप वो चैट में भी देगा मुझे कि क्या क्या तुम्हें चेंजेस करने चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, आगे नेक्स्ट लाइन का लिखो उस टाइप से। ठीक है, ये हो गया प्राइवेसी सिक्योरिटी, ये सब ठीक है अपनी जगह सही है। तो ओवरऑल समझ में आया सबको कि क्या हो रहा है, क्या है ये चीज, क्या है कर्सर एआई। 5 से 10 मिनट का एक सेशन रख लेते हैं, क्वेश्चन का कोई सेशन है तो उनकी तरफ से। हाँ भाई, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसे पूछना हो, कुछ भी डिस्कस करना हो इससे रिलेटेड, कुछ भी है, आप लोगों को लगा कैसे पहले तो ये बताओ। टूल अच्छा लगा बाकी। हाँ भाई यार, अभी यार एक काम करना है सब लोगों को, अपने को ना, हम लोग ये सब जो जितना भी डिटेल है सब डाल देंगे ग्रुप पे, और वो इंटर्नशिप का जो डिटेल है वो भी डाल देंगे। ठीक है, आप लोगों को यही टूल यूज करके इंटर्नशिप के प्रोडक्ट बनाने हैं, समझे? और वो हम आपको असिस्ट भी करेंगे, पूरा प्रोडक्ट कैसे डिजाइन होता है ना, मान लो प्रोडक्ट थिंकिंग से लेकर प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन तक, फाइनल मतलब उसको क्या बोलेंगे डिप्लॉय करने तक का सब कुछ हम आपको अगली एक कॉल और रखेंगे, जिसमें आप प्रोडक्ट की थिंकिंग कैसे करें। मान लो कि प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आपको घर बनाना है ना, घर आपका एक प्रोडक्ट हो गया, आपको कार बनानी है, तो कार की आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी। थिंकिंग कैसी करनी पड़ेगी, मेरा कार ऐसा दिखे, इसी स्पीड तक जाए, ये उसके 4 टायर हो या 3 टायर हो, जो भी हो, वो पूरा स्ट्रक्चर आप डिफाइन करोगे, एक एक एलिमेंट आप लेकर आओगे, फिर उसमें ऐड करोगे, उसको एक असेंबली करके एक कार अपना एक प्रोडक्ट तैयार करोगे। तो सेम एप्लीकेशन होता है, आप एप्लीकेशन की थिंकिंग करोगे कि मैं एप्लीकेशन से सोल्व क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं सबटाइटल का प्रॉब्लम सोल्व करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आप कोई और प्रॉब्लम लेकर आ सकते हो। तो अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो प्रोडक्ट थिंकिंग पर रहेगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आपको इससे पहले ना सब लोग वो इंटर्नशिप का अच्छे से गो थ्रू कर ले, जो असाइनमेंट मिलेगा वो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को मज़ा आएगा करने में, और हम लोग असिस्ट करेंगे साथ में। ठीक है, हमेशा आपके साथ तो भाई है। देखो ऐसा इंटर्नशिप का क्या है कि हम चाहते हैं कि यार अभी ये हम कर रहे हैं, क्लास हो रही है, ठीक है, बट इसमें जो लर्निंग है ना वो बहुत स्लो है। हम चाहते हैं कि एक आपको इंटर्नशिप दें, जो प्रॉपर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा उसका, जिससे आप कुछ सीख रहे हो, जो आपको रियल में लाइफ में काम आएगा। ठीक है, जो उससे कुछ इनकम सोर्स और आगे की फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो अभी आप सीख लोगे तो आगे काम आएगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे कि हम बेसिक इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर पहले एक असाइनमेंट देंगे बेसिक, जो आप कर्सर से बना पाओगे, यही जो अपन ने टूल बताया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम जो जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर देंगे, फिर वो हमारे साथ 6 महीने काम करेंगे, और 6 महीने में हम साथ में एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे, कुछ भी चीज बनाएंगे जो कि मार्केट में उतारेंगे। और फिर बेसिकली जो जो वो 6 महीने में अच्छे से काम करेगा उसको अपन एज अ जॉब भी रख सकते हैं, उसको आप एज अ जॉब भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, जैसा भी पॉसिबल हो, पूरा वर्क फ्रॉम होम रहेगा। बट वर्क फ्रॉम होम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कहीं जाना है कुछ है, जब भी आपको दिन भर में टाइम मिल रहा है आप उस पर काम कर रहे हो, इस टाइप का रहेगा। तो इंटर्नशिप भी वही है, इंटर्नशिप ऐसे सोचो कि कुछ सीखने मिल रहा है हमें, बाकी ठीक है, बाकी सब काम हो रहा है, बट इंटर्नशिप से आप कुछ सीख रहे हो, कोड करोगे, सीखने आएगा कुछ। ठीक है, ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है कुछ भी है तो पूछिए। तो एक बार अभी के लिए आज टास्क सबके लिए है, कर्सर एआई डाउनलोड करना है सबको, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, एंड देन जो भी नेक्स्ट हम असाइनमेंट देंगे, जो भी इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड होगा उसको एक एक असाइनमेंट देंगे, जो आप कर्सर एआई से बना के लेके आओगे। ठीक है, सिंपल असाइनमेंट रहेगा और साथ में असिस्ट भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, रैप अप करें सेशन फिर। ओके भैया, क्या लग रहा है, हर किसी के दिमाग में ना ये आना चाहिए कि